अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। यहां पर प्राइसेस डाउन हो चुकी है दोबारा से मोबाइल फोन्स की। एक आधे फोन की प्राइस डाउन हुई थी, हमने कहा वीडियो क्या बनती है, लेकिन यहां पर काफी फोन्स की प्राइसेस कम हो चुकी हैं। रियलमी के फोन्स हैं, टेक्नो के फोन्स हैं, वीवो के फोन्स हैं और काफी फोन्स हैं दोस्तों जिनकी प्राइसेस कम हुई हैं। तो यहां पर देखते रहिए, आपको बताएंगे। और प्राइसेस डाउन होने के बाद ये फोन आपको खरीदने भी चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, ये भी लास्ट में ओपिनियन दे देंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदा होने वाला है। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों प्राइसेस डाउन होने की वीडियो ये मतलब कि इसलिए डाउन हो रहे हैं प्राइस मोबाइल फोन्स की, क्योंकि एक से बढ़कर एक फोन आ रहे हैं। कंपनी लॉन्च कर रही है, आइटल लॉन्च कर रही है, इन्फिनिक्स, टेक्नो और उसके अलावा दूसरी जो कंपनीज हैं स्पार्क्स वगैरह, ये सारे ही मिलकर एक से एक हर प्राइस में मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस कम करनी पड़ रही है और स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पर सबसे पहला आपका टाइम जाया किए बगैर फोन बताएंगे, इन्फिनिक्स की तरफ से है, इन्फिनिक्स हॉट 40। जी हां, यहां पर 40,000 रुपए प्राइस थी 8GB 256GB वाले वेरिएंट की, अब 3,000 का प्राइस कट लगा है, प्राइस हो चुकी है 37,000 रुपए। 3,000 का प्राइस कट लगने के बाद 37,000 है, लेकिन मजीद आपको ऑफलाइन मार्केट में और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अब आप वैल्यू फॉर मनी फोन इसे कह सकते हैं दोस्तों। इसके साथ अगर देखें तो टेक्नो के दो फोन्स की प्राइसेस कम हुई है। टेक्नो स्पार्क 20 जो कि 35,000 रुपए का था, 8GB 256GB, उसकी प्राइस जो कम हो गई है अब 32,000 रुपए हो गई है, 3,000 का प्राइस कट लगा है। और टेक्नो स्पार्क 20 में एक और वेरिएंट भी है 8GB 128GB वाला, इसकी 31,000 रुपए प्राइस थी, वो हो चुका है 30,000 रुपए का, मतलब कि 1,000 का प्राइस कट उसमें लगा है 8128 वाले में। तो इसमें मजीद आपको ऑफलाइन मार्केट में भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वीवो के एक फोन की प्राइस कम हुई है जो कि अब भी ओवर प्राइस है, वीवो Y02T 4GB 64GB, ये पहले था 28,000 रुपए की फुल प्राइस में, लेकिन अब 26,000 की प्राइस में हो गया है, 2,000 का प्राइस कट लगा है Y02T 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो कि सिंगल कैमरा के साथ है, नॉर्मल है दोस्तों, अब भी ओवर प्राइस है काफी ज्यादा। ओप्पो के दो फोन की प्राइसेस कम हुई है, ओप्पो A58 जो कि 53,000 की प्राइस में आया था, लेकिन प्राइस कट लगा है 3,000 का, 49,000 में हो गया है, 8GB 128GB वाला ओप्पो A58 3,000 का प्राइस कट लगा है। तो यहां पर मजीद आपको डिस्काउंट 49,000 से भी कम देखने को मिलेगा जो कि ऑफलाइन मार्केट में आपको मिलेगा, ये ऑफिशियल प्राइस बताते हैं। ओप्पो A18 जो कि न्यू मॉडल लॉन्च किया गया था 36,000 रुपए में, यहां पर भी 3,000 का प्राइस कट लगा है, 4GB 128GB वाला वेरियंट है, 33,000 की प्राइस में हो गया ये, 36 से 33 मतलब 3,000 के प्राइस कट लगा है, 33,000 रुपए में हुआ है, ये आपको मजीद ऑफलाइन मार्केट में और ज्यादा मतलब कि मार्केट में मोबाइल मार्केट में और ज्यादा कम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक फोन मिलता है रियलमी की तरफ से जो कि दो दफा प्राइस कट लग चुकी है, रियलमी C67 8GB 128GB वाला फोन जो कि पहले था दोस्तों ओल्ड प्राइस 48,000 रुपए, उससे पहले तो और ज्यादा 50,000 से ऊपर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब 45,000 में हो गया है, मतलब 3,000 का प्राइस कट लगा है जो कि अब भी ओवर प्राइस है, डिस्काउंट करके आपको और कम मिलेगा, 3,000 का प्राइस कट ले रियलमी C67 में, 45,000 की ऑफिशियल प्राइस हो चुकी है और इससे कम आपको और ज्यादा देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफलाइन मार्केट में। मेरी नजर में यही फोन है दोस्तों जिनकी प्राइसेस कम हुई है, लेकिन काफी ऐसे फोन है जिनमें ओप्पो के फोन है जिनकी अब भी ओवर प्राइस है, रियलमी की भी ओवर प्राइस है, वीवो की भी ओवर प्राइस है, इन्फिनिक्स का फोन आप कुछ हद तक काफी कह सकते हैं कि उसकी प्राइस कट लगने के बाद 8GB 256GB वाला आपको अच्छा मिलता है, और टेक्नो का फोन भी वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं इस वक्त तक। अब आपको क्या लगा दोस्तों, कैसे हैं फोन्स, प्राइसेस वाकई अच्छी कम हुई है नहीं हुई, ये कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह सपोर्ट करते रहेगा, 1,00,000 सब्सक्राइबर इंशाल्लाह आपकी दुआओं से पूरा होने वाला है, और आपको पहले एडवांस में मुबारकबाद देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।